दिस इज अनदर क्वेश्चन. फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा विच सेटिस्फाइज अल्फा बीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, आपको यहाँ बोला फाइंड द कंडीशन. कंडीशन मतलब आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा जिसका जो क्या होगा तो विच हैज इसका जो तुमको रूट दिया हुआ है वो क्या होगा तो ये तुमको वहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, दैट इज अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो इस इक्वेशन का तुम्हारा जो रूट आएगा, देखो तुम्हारा कितने रूट्स आएंगे यहाँ पे, तुम्हारे तीन रूट्स आएंगे, दैट इज एक्स क्यूब तुमको यहाँ दिया हुआ है, मतलब अल्फा बीटा गामा तुम्हारा क्या होगा, तीन रूट्स होंगे. मुझे करना क्या होता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा किसी एक का इक्वेशन मतलब एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, आइदर अल्फा या बीटा या गामा. फिर उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे पुट कर देंगे, तो वो तुम्हारा जो इक्वेशन फॉर्म करेगा वो अपना क्या होगा, कंडीशन होगा. ठीक है, देखो लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा गामा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है बट अल्फा बीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है ना, तो इम्प्लाइज अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक है, अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम, देखो यहाँ तुम्हें क्या बता दो, बाई द रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. आप बता क्या लिखो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, बताओ तुम्हें कितना आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ दिस अपॉन वन, दैट इज माइनस पी, लेट दिस बी इक्वेशन ऑफ वन. ठीक है, इसको वन मान लो, इसको आप टू मान लो. ठीक है, फिर ऑल्सो मतलब दूसरा क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू, देखो तुम्हें क्या आएगा यहाँ पे, क्यू आएगा, क्यू, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर थ्री. ऑल्सो देखो तुम्हें क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू, बताओ तुम्हें क्या होगा, माइनस आर अपन वन होगा, दैट इज माइनस आर, दिस इक्वेशन नंबर फोर. ठीक है, तो अब ये बताओ इसको जब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा मैं, तो फ्रॉम वन एंड फोर. ठीक है, देखो वन फोर जब होगा तो बताओ तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, देखो अल्फा बीटा की जगह मैं क्या रखूँगा, देखो यहाँ पे माइनस वन रखूँगा, तो दिस इज माइनस वन, गामा इक्वल्स टू माइनस आर, माइनस माइनस कैंसिल, तो गामा इक्वल्स टू आर. ठीक है, तो सिंस गामा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर फंक्शन ऑफ है ना एफ ऑफ गामा इक्वल्स टू, बताओ तुम्हें क्या होगा, जहाँ जहाँ पे तुमको एक्स दिया वहाँ वहाँ क्या कर दोगे, गामा रख दोगे, तो दिस इज हाउ मच, गामा का क्यूब प्लस पी, गामा का स्क्वायर प्लस क्यू, गामा प्लस आर इक्वल्स टू जीरो. अब गामा की वैल्यू बताओ तुम्हें कितनी आर दी हुई है, यहाँ पे रखोगे आर क्यूब प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सभी में तुम्हारा क्या है, एक आर कॉमन है कि नहीं, तो आर कॉमन निकाल लो, दैट इज आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. नाउ दिस इज द है ना, यहाँ पे दो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. थैंक यू.